Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Medical Global Learning. Myself Hamza Ali from Ilam Iqbal Medical College MBBS. आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पेक्टोरल एंड स्कैपुलर रीजन. ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि पेक्टोरल रीजन, शोल्डर रीजन और एक्जिला में जो MCQ आने हैं मिला के वो दो आने हैं, और SEQ जो पेक्टोरल रीजन, शोल्डर, एक्जिला और आर्म के वाले चैप्टर्स को मिला के जो आना है वो एक आना है. तो ये इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट MCQs हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं, कौन सी चीजें SEQs हैं और कौन सी चीजें आपने सिर्फ और सिर्फ रीड करनी है. शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है एंटीरियर एक्जिला पेंडिकुलर मसल्स. ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है. टेबल 6.3 में ये सारा लिखा हुआ है. इसमें उसमें जो कुछ जो नहीं लिखा हुआ वो चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं, वो आपने यहाँ से देख लेनी है. एक तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हर मसल की वो इसमें इसी में दी हुई है, थ्योरी में वो टेबल में नहीं दी हुई, वो आपने देख लेनी है. वो वाइबा में पूछ सकते हैं या आपसे वैसे भी SEQ के तौर पर भी पूछ सकते हैं. और इसमें जो MCQ बनते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं. और यहाँ पे ये पेक्टोरालिस मेजर का क्लेविकुलर हेड और स्टर्नोकोस्टल हेड इनकी टेस्टिंग ये आपने याद कर लेनी है. उसके बाद यहाँ पे ये टेबल 6.3 है, ये आपने अपने सारा याद करना है. और उसके बाद यहाँ पे ये ओस्पी और वाइबे के लिए ये फिगर है, फिगर 6.22, ये आपने ओस्पी और वाइबे के लिए करनी है, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पे MCQ जो बनते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिया. सेराइटस एंटीरियर का MCQ मेंशन है. उसके बाद क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ सेराइटस एंटीरियर ये भी आपने याद करनी है. उसके बाद पोस्टीरियर एक्जिला पेंडिकुलर एंड स्कैपुलो ह्यूमरल मसल्स, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है. इसके लिए आपने टेबल 6.4 करना है और ये इसी थ्योरी में से क्लिनिकल टेस्टिंग आपने याद करनी है. और इसमें जो MCQ बंद है वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं. और यहाँ पे हमारे पास आ गया टेबल 6.4, ये आपने सारा का सारा याद करना है. और इसमें सुपरफिशियल, पोस्टीरियर, एक्जिला पेंडिकुलर, एक्सट्रिंसिक शोल्डर मसल्स, ये भी आपने वही मैंने बताया आपने टेबल याद करना है. और इसमें जो MCQ बंद है वो मैंने मेंशन कर दिए और इसकी टेस्टिंग जो है वो भी आपने देख लेनी है ट्रेपेज़ियस से. उसके बाद लेटिसिमस डोर्साई आ गया, MCQ मेंशन है. यहाँ पर ये टेबल 6.5 जो है ये मूवमेंट्स ऑफ स्कैपुला, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है. ये आपने सारा याद करना है कि कौन सा मसल कौन सी मूवमेंट करवा रहे हैं. और कंसेप्ट के लिए आपने ये फिगर देख लेनी है 6.25 के, मूवमेंट किस प्लेन में होती है, कैसे होती है, क्योंकि वाइवा में मूवमेंट करवा के भी पूछा जा सकता है. तो आपने ये मूवमेंट भी जहन में रखनी है. उसके बाद यहाँ पे लेटिसिमस डोर्साई की टेस्टिंग का आ गया, ये भी आपने याद करना है. उसके बाद हमारे पास आ गया डीप पोस्टीरियर एक्सोपेंडिकुलर एक्सट्रिंसिक शोल्डर मसल्स, ये भी रीड करना है. रोम्बोइड्स का MCQ आ गया. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ओस्पी और वाइबे के लिए आपने ये देख लेनी है अटैचमेंट्स, ये उन्होंने मेंशन कर दी है. और यहाँ पे ये मसल अटैच हुए वो भी उन्होंने दिखाया हुआ है. ये ओस्पी और वाइबे के लिए आपने फिगर देख लेनी है. और उसके बाद रोम्बोइड्स को टेस्ट कैसे करना है ये भी आपने देख लेना है. उसके बाद स्कैपुलो ह्यूमरल इंट्रिंसिक शोल्डर मसल, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये भी आपने टेबल ही याद करना है. और उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वो आपने इस थ्योरी में से देख लेनी है. इस KLM में से टेबल आपने कोई नहीं छोड़ना, जो भी टेबल आए वो आपने लाजमी याद करना है. और इसमें जो डेल्टॉइड में ये जो MCQ बनते हैं वो भी मैंने मैंशन कर दी है. उसके बाद टेस्टिंग ऑफ डेल्टॉइड ये आपने याद करनी है. और उसके बाद हमारे पास आ गया टीडीज मेजर, इसकी टेस्टिंग ये भी आपने याद कर लेनी है. उसके बाद आ गया रोटेटर कफ मसल्स, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि ये रोटेटर कफ क्या चीज है और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके लिए आपने ये सारा याद करना है. उसके बाद यहाँ पे ये मसल जो है इनकी क्लिनिकल टेस्टिंग ही आपने देखनी है, बाकी आपने एक दफा रीड कर लेना है. यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस आ गया, इंफ्रास्पाइनेटस आ गया, उनकी क्लिनिकल टेस्टिंग आपने देख लेनी है. टीडीज माइनर आ गया, सबस्कैपुलरिस आ गया, रीड ही करना है. सरफेस एनाटॉमी ये आपने सिर्फ और सिर्फ वाइबा के लिए ही देखनी है. सरफेस एनाटॉमी जितनी भी है वो आपने वाइबा के लिए ही देखनी होती है. यहाँ पे ये फिगर्स भी आपने सरफेस एनाटॉमी के लिए देख लेनी है. उसके बाद हमारे पास आ गया एब्सेंस ऑफ पेक्टोरल मसल, यहाँ पे पोलैंड सिंड्रोम जो है ये SEQ है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है. उसके बाद और ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है. पैरालिसिस ऑफ सेराइटस एंटीरियर, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद आ गया ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन, ये SEQ है, ये आपने याद करना है. इंजरी ऑफ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ये आपने एक दफा रीड कर लेना है. इंजरी ऑफ थोराकोडोर्सल नर्व, ये भी रीड ही करना है. और इसमें MCQ जो बनता है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है. इंजरी टू डोर्सल स्कैपुलर नर्व, रीड ही करना है.
इंजरी टू एक्सिलरी नर्व, ये ऐसी क्यों है, ये आपने याद करना है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ प्रॉक्सिमल ह्यूमरल एपिफाइसिस है, ये भी रीड ही करना है आपने और कंसेप्ट हासिल कर लेना है। उसके बाद रोटेटर कफ इंजरीज है, यहाँ पे ये डिजेनरेटेड टेंडोनाइटिस ऑफ द रोटेटर कफ जो है, ये आपने याद कर लेना है। उसके अलावा जो नेटर से एटलस से जो आपने फिगर्स देखनी है वो 408, 409, 411, 413 देखनी है। उसके बाद बीडी से कुछ चीजें जो आपने करनी है उसमें आगे सब एक्रोमियल बर्सा, इंटरमस्कुलर स्पेसिस, ये स्कैपुलर रीजन वाले चैप्टर में दिए हुए हैं और ये आपने याद करने हैं। ये इंटरमस्कुलर स्पेसिस तो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, सब एक्रोमियल बर्सा ऐसी क्यों है। उसके बाद एनास्टोमोसिस और स्कैपुला, ये भी स्कैपुलर रीजन में ही दिया हुआ है और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये चीजें आपने बीडी से करनी है। उसके बाद लंबर ट्राइंगल ऑफ पैट्रिट जो है, ये आपने बैक वाला चैप्टर है अपर लिंग में बीडी 84 में, ये भी आपने वहीं से करना है ट्रायंगल ऑफ पैट्रिट। उसके बाद ब्रेस्ट जो आ गया, मेमोरी ग्लैंड, ये आपने पेक्टोरल रीजन वाले में दिया हुआ है अपर लिंग में, ये आपने सारा का सारा ही याद करना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड, ये ज्यादातर चांसेस होते हैं कि इसी में से ऐसे क्यों आता है, तो ये आपने सारा याद करना है। इसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई स्ट्रक्चर, लिम्फेटिक ड्रेनेज, और उसके बाद इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज के जो क्लिनिकल हैं ब्रेस्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर कैसे स्प्रेड होता है, ये चीजें आपने बीडी से कर लेनी है। यही था इस चैप्टर के बारे में, इंशाल्लाह आप इसे फॉलो करें और अल्लाह आपको कामयाब करेगा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन बाय मेडिकल ग्लोब MBBS क्रैक बुक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेडिकल ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाब पब्लिकेशंस को मुतारिफ कराता है MBBS क्रैक्स। इसमें शामिल है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, सॉल्व पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स, साथ ही साथ हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स और हर सब्जेक्ट के ऑस्पी मॉडल्स और ऑस्पी स्टेशंस। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब एक कंपोज किताब भी मुतारिफ कराता है MCQs क्रैक्स, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट MCQs शामिल है, फिर चाहे वो UHS के हो या फिर NUMS के। तो क्या सोच रहे हैं आप, तो अभी अपनी MBBS क्रैक्स और MCQs क्रैक्स को घर बैठे के बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर रابطہ करें 0335663307।